पहुंच चुके हैं हम टोयोटा के शोरूम में। मॉर्निंग एंड वेलकम टू द अनदर ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं गाड़ी लेने के लिए ग्लैंजा, और काफी दिनों से वेट हो रहा था, गाड़ी आ चुकी थी बट अभी हम निकलेंगे कोई 11 बजे के आसपास और डिलीवरी रहेगी 1:15 बजे का टाइमिंग उन्होंने दिया है। थोड़ी एसेसरीज हैं, थोड़ा काम है, इंजन इंस्पेक्शन, सारी इंस्पेक्शन करने के बाद वो गाड़ी हमें डिलीवर करेंगे। बहुत अच्छी गाड़ी है, मैं आपको दिखाऊंगा उसका रियल फीडबैक भी आपको मैं दूंगा। वही गाड़ी नहीं खुश है ना इंजन में। लड़का भी हमारे साथ जाएगा क्योंकि हम जब जाएंगे एक गाड़ी में तो दूसरी गाड़ी जो लानी पड़ेगी साथ में, तो इसके लिए हमें दो बंदे, दो ड्राइवर चाहिए। तो लड़कियों में कोई ड्राइव करता नहीं है, तो ये लड़का जो छुप रहा है इसलिए इसकी गाड़ी, ये जो बड़ी गाड़ी है वो ये चलाएगा। तो मम्मी जी भी रेडी हो चुके हैं अपनी बहुरानी के साथ और जाने के लिए तैयार हैं। तो अभी हम सारे रेडी हो चुके हैं, मम्मी का वेट हो रहा है, मम्मी भी रेडी हैं और नीचे अपनी गाड़ी खड़ी है जहाँ अभी हम सारे लोग जाएंगे। निंदिया की मम्मी भी आने वाली हैं, ये देखिए मेरी मौमसी भी रेडी है। सुहाना सफर। निंदिया आर यू रेडी, मम्मी आर यू रेडी, ड्राइवर साहब आप भी रेडी हो? शॉप है जहाँ पे फ्रेश मिठाई मिलती है यहाँ पे और टेस्टी होती है और डेली नया स्टॉक मिलता है, तो यहाँ पे और थोड़ा रेट भी फर्क है यहाँ बाहर मार्केट से और एकदम, क्योंकि ये सप्लाई करते हैं यहाँ से इधर उधर के लिए, बट इनकी जो मिठाई है एकदम फ्रेश रहती है, बड़ी स्वाद होती है, थोड़ी बर्फी रहती है। तो भाई ये हिमाचल की फेवरेट बर्फी है जो अंकल जी दे रहे हैं अभी, पर अभी जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है स्टॉक, बिल्कुल थोड़ा सा है और बहुत ही टेस्टी होती है। कैसी लग रही है, कैसी लग रही है, टेस्टी है? आई जा रहा है साइड है ये इनोवा के पीछे लगा है। पहुंच चुके हैं हम टोयोटा के शोरूम में। ले ले ले। So, ये गाड़ी हम साइड में पार्क करेंगे और शोरूम में जाएंगे और अपनी डिलीवरी लेंगे। यहाँ पे एक और डिलीवरी चल रही है इनोवा हाई क्रॉस की। शोरूम तो पहुंच चुके हैं बट अभी गाड़ी को देखने का मन है, पर यहाँ पे किसी और की डिलीवरी हो रही है हाई क्रॉस की, तो अपनी गाड़ी को टाइम लगेगा इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं, वेट कर रहे हैं और कुछ फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी करेंगे। पेमेंट वगैरह कंप्लीट हो गई है, बस गाड़ी की जो एक्सेसरीज हैं, मतलब सॉरी एक्सेसरीज हैं वो बस लगने बाकी हैं, सारा काम हो चुका है इसीलिए चाय चीन कपाट कर रहा है। चीन भाई अभी एक्सेसरीज लग रही है गाड़ी में, सारी गाड़ी बिल्कुल नीट एंड क्लीन, सारे क्वालिटी चेक पे हुआ चुकी है यहाँ पर। ये है बिडिंग, ये था पूरी एसेसरीज हमने यहाँ पे फिट कर ली है, मतलब जो स्टैंडर्ड एसेसरीज थी वो, और फॉग लैंप जो थे मतलब वो लगाना जरूरी थी इसलिए वो हमने एलईडी वाले लगवाए, तो यहाँ पे हमने फिक्स करके लगा दी। सो अभी बस जस्ट फाइनल डिलीवरी पे पहुंच रहे हैं। फिर मम्मी नई गाड़ी को लेके कैसा फील हो रहा है आपको? चल चल आके चल सुखते।
भाई आज बारिश भी बहुत जोर जोर से लगी हुई है यहाँ पे, रोड भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है। अभी पूजा करवा कर घर पहुंचे हैं और गाड़ी लग गई है गेट के बाहर। अब ये गाड़ी इस गाड़ी के साथ में यहाँ पे गैराज में लगेगी। मेरी गाड़ी बाहर रहेगी आज, क्योंकि यहाँ पे दो गाड़ियाँ ऑलरेडी हैं। बुलेट को निकालना पड़ेगा यहाँ से, स्कूटी को थोड़ा साइड में सेट करना पड़ेगा। और निंदिया, आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका भाई? तो भाई गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है और अभी दूसरी गाड़ी आने वाली है ऊपर, तो उसको भी हम यहाँ पे खड़ी करेंगे। Thank you.